लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर शाम 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा अंगों के चीफ व मंत्रिमंडल सदस्य शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री कुछ देर से पहुंचे, विचार विमर्श हुआ तो तीनों अंगों के प्रमुख ने पूछा, सर क्या आदेश है? शास्त्री जी ने तुरंत कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। उसी दिन रात्रि करीब 11 बजे 300 हवाई जहाजों ने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की ओर उड़ान भरी। कराची से पेशावर तक जैसे रीढ़ की हड्डी तोड़ा जाता है वैसे ही तोड़कर सही सलामत वापस लौट आए। पाकिस्तान ने इसकी कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। शास्त्री जी ने नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्राप्त किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया।